Sticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying. सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल, डेवी नेशनल मेडलिस्ट एंड डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, तो आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल झारखंड रनर बिट्टू में। तो आज का टॉपिक है, जैसे कि आप सभी का क्या होता है, टाइमिंग नहीं घटता है। मतलब कितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे 1600 ले लीजिए या कोई भी इवेंट ले लीजिए, 400, 500, 1500, 5 किलोमीटर, कोई सा इवेंट आप कितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका टाइमिंग नहीं टूट रहा है। तो आज मैं आप सभी को 5 टिप्स बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपकी 100% टाइमिंग टूटेगी। और अगर आप वो गलतियां कर रहे हैं तो उसे आपको सुधारना और कैसे सुधारना है, मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। और साथ में लास्ट में एक बोनस टिप्स रहेगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना और अच्छी तरह से समझना है। तो चलिए आइए चलते हैं पहले टिप्स की ओर। तो पहली गलतियां आप क्या करते हैं, इग्नोर पेन। मतलब कोई भी अगर आपके मसल में पेन वगैरह हो रहा है, मसल में दर्द हो रहा है, मतलब छोटा छोटा दर्द हो रहा है, उसके ऊपर आप वर्कआउट करते जा रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि बहुत सारा पेन ऐसा होता है जो वर्कआउट करते करते छूट जाता है, लेकिन कोई ऐसा भी पेन होता है, जैसे हैमस्ट्रिंग का पेन हो गया या फिर और भी कहीं मसल में पेन हो गया, तो वो क्या होता है, वो इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आपको पेन वगैरह होता है मसल वगैरह में, तो उसको ठीक करने का कोशिश करें। ठीक कैसे कर सकते हैं, मसाज से, मेडिसिन ले सकते हैं, और आप स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं उस मसल के अगल बगल एरिया को। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको पेन वगैरह होते हैं तो उस पेन पर ध्यान दीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, मतलब अनदेखा ना कीजिए। दर्द वगैरह होता है तो उसको कोशिश कीजिए उस चीज़ को ठीक करने का, तो आप वर्कआउट कीजिए, ठीक है। दूसरा टिप आप सभी के लिए है कि आप सही तरह से वार्म अप नहीं करते हो। बहुत सारे एथलीट क्या करते हैं, ग्राउंड आते हैं ना, वो स्ट्रेचिंग करते हैं ना, वार्म अप करते हैं, डायरेक्ट वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। वार्म अप क्यों करना चाहिए, आपको मैं एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा, आप आसानी से समझ जाइएगा। और हमेशा आप वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूर कीजिएगा, अगर आप ये चीज़ सुनते हैं तो। वार्म अप हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा बॉडी हीट हो। आप बोलते हैं ना, मेरा बॉडी नहीं चल रहा है, बॉडी गर्म नहीं हुआ है, तो गर्म कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए आपको वार्म अप करना पड़ेगा। वार्म अप करने से क्या होता है, हमारी जो भी बॉडी की मसल वगैरह है वो एक्टिव हो जाती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है, और हमें वर्कआउट करने में क्या होता है, एनर्जी मिलती है। इसीलिए वार्म अप आप जरूर करें। अगर आप वार्म अप करते हैं तो आपको क्या होगा, रनिंग करते समय आपकी अच्छी बॉडी चलेगी, अच्छी पैर खुलेगी, स्टेप इंक्रीज होगा, आपकी आसानी से टाइमिंग टूटेगी। इसीलिए वर्कआउट से पहले सबसे पहले स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद वार्म अप करें, तो वर्कआउट पे जाएं, ठीक है। और एक बात, हाँ, वार्म अप में आपको उतना जोर नहीं लगाना है ताकि आप वार्म अप में ही थक जाएं, ठीक है। वार्म अप आपको स्लो करना है, वार्म अप में आपको बॉडी सिर्फ हीट करना है ताकि आप जो स्पीड वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं उसे कर सकें। और हाँ, एक और गलतियां करते हैं कि जब नहीं करते हैं, ठीक है, और सोचते हैं, उसको बता दिया गया कि 400 का 10 रेपिटेशन लगाना है, वो आए स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिए और डायरेक्ट रेपिटेशन स्टार्ट कर दिए स्पीड में, वहीं से आपका मसल वगैरह पुल हो सकता है और इंजरी का शिकार हो सकती है, और सांस भी आपकी जल्दी फूलेगी अगर आप वार्म अप करके वर्कआउट स्टार्ट नहीं करते हो तो। तीसरा टिप्स आप सभी के लिए है कि आप सही तरह से डाइट नहीं लेते हैं। बहुत सारे एथलीट क्या करते हैं, वर्कआउट करके आते हैं, नहा वगैरह लिए, फिर मोबाइल फ़ोन वगैरह चलाने लगे या फिर कोई और भी काम करने लगे, वो खाना नहीं खाते, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं, चाहे मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं या इवनिंग में वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट के बाद कम से कम 15 से आधा घंटा के बाद आपको कुछ ना कुछ खा लेना। आप इससे पहले भी खा सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिए 10 मिनट बाद प्रोटीन वगैरह या कुछ है, आप अंडा वगैरह खाते हैं या ब्रेड वगैरह खाते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन 15 से आधे घंटे तक में खा लीजिए। इसके बाद खाइएगा तो आपकी बॉडी में कमजोरी आएगी तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, जिससे आप वर्कआउट में एफर्ट नहीं लगा पाइएगा। कहूँगा एक, अगर आप अच्छा एथलीट बनना चाहते हैं तो आपको टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, टाइम पे खाना, टाइम पे ग्राउंड जाना, टाइम पे वर्कआउट करना, समझ गए। इसीलिए जो आपको घर में खाना बनता है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स लें, इंटेक ज़्यादा लें, प्रोटीन लें, ठीक है, फाइबर लें, विटामिन्स लें, मल्टी विटामिन्स यूज करें। तो डाइट में आपको कई तरह के चीज़ यूज करना है और सही टाइम पे लेना है, वर्कआउट के बाद भी और वर्कआउट से पहले भी, ठीक है। तो डाइट अपना सुधारिए, आपकी टाइमिंग ऑटोमेटिक घटेगी। चौथा टिप्स आप सभी के लिए है कि अपना गोल को फिक्स कीजिए, ठीक है, और उसके बारे में सही चीज़ सोचिए कि हाँ, मैं उस गोल को फिक्स किया हूँ, मेरा टारगेट ये है तो मैं उसे अचीव कर सकता हूँ। हमेशा थिंक पॉजिटिव कीजिए, ठीक है। बहुत सारे एथलीट क्या होते हैं कि वो वर्कआउट करते हैं सिर्फ, उसको पता ही नहीं है आखिर हमको करना क्या है, इंडियन आर्मी बनना है या एक एथलीट बनना है, नेशनल मेडल मारना है या इंडिया मेडल मारना है, क्या करना है, आपको टारगेट फिक्स है ही नहीं। इसीलिए अगर आप रनिंग कर रहे हैं, जैसे 1600 मीटर रनिंग कर रहे हैं, तो आपको टारगेट बनाना चाहिए कि 1600 मीटर का मेरा टाइमिंग हमको 4:30 लाना है या 4:40 लाना है या 4:50 लाना है, तो वो आपका टारगेट हुआ। फिर उसके ऊपर आप वर्क कीजिए, ठीक है। वर्क में क्या, जैसे आप शेड्यूल को फॉलो कीजिए,
ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि एक टारगेट फिक्स करना है आपको, आखिर आपको करना क्या है। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपना गोल फिक्स कीजिए और टारगेट कीजिए कि हाँ मुझे 2021 तक जॉब ले लेना है, 2022 तक ले लेना है, मुझे 1600 मीटर मारना है तो 4:50 तक मारना है। कितने दिनों में मारेंगे, इतना दिनों में मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे। अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलोते हैं तो आप हमेशा कुछ ना कुछ हासिल कीजिएगा, जो आपका गोल है, जो आपका अचीवमेंट है। ठीक, गोल अचीव करते हैं तो थिंक पॉजिटिव, मतलब यहाँ से सही सोचिए कि मैं कर सकता हूँ। बहुत आदमी बोलेंगे आपको कि तुम नहीं कर सकता, तुम ये कर सकता है, वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन अपने अंदर जुनून रखना है, जज्बा रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। पांचवा टिप्स है आप सभी के लिए कि आप सभी वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो कीजिए। बहुत सारे एथलीट क्या करते हैं, वो एक वर्कआउट को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे 5 दिन किया और उन्होंने देखा यार मेरा टाइमिंग टूट ही नहीं रहा है, मैं क्या वर्कआउट करूँ, फिर वो छोड़ देते हैं। इस तरह से नहीं करना। देखिए, टाइमिंग को बच्चों का खेल नहीं है कि आप एक दिन में टाइमिंग को घटा सकते हैं। बड़े बड़े जो एथलीट जो एशियन में मेडल मारे हुए हैं या कहीं भी इंडिया की तरफ से मेडल मारे हुए हैं, वो एक दिनों में या 10 दिनों में या 15 दिनों में नहीं मारे हैं। उन्होंने कम से कम 8 से 10 साल मेहनत किया तो जाके उसका एशिया में मेडल लगा या ओलंपिक में मेडल लगा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करना है, और जिसका आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए। उसने अगर आपको वर्कआउट शेड्यूल दिया है तो वो कोई ऐसे ही नहीं दे दिया है, आपको कुछ सोच समझ के दिया और आपके टारगेट के हिसाब से शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे एथलीट क्या करते हैं कि जैसे ग्राउंड जाते हैं, जैसे 1000 का 2 रेपिटेशन लगाना या 3 रेपिटेशन लगाना है, वो एक लगाएं फिर छोड़ दिए, यार मैं थक गया। ऐसे नहीं होगा, आपके अंदर जुनून होना चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए, ठीक है। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगा आप सभी को कि वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करें, कोई एक वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करें। और हाँ, एक बात और कि बोला जाता है ना, मैं आपको ऐसा रगड़ दूंगा कि आपकी टाइमिंग 10 दिनों में टूट जाएगी, ये सब बकवास है। समझ गया किसके बारे में बोल रहा हूँ, समझ ही रहे होगे, ठीक है। उतना तो आप लोग जानकार हो ही, ठीक है। तो कोई रगड़न वर्कआउट नहीं होता है कि रगड़ दें। वर्कआउट जो भी करते हो टेक्निकली वर्कआउट करो, जितने भी वर्कआउट बताए जाते हैं, रेपिटेशन वर्क, इंटरवल ट्रेनिंग, जो भी हैं वर्कआउट्स वगैरह, आप मेरे वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। टेक्निकली करो और ईजी करो और अच्छी तरह से करो, ठीक है। तो बोनस टिप्स आप सभी के लिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको अच्छे तरह से रेस्ट लेना है, मतलब जैसे 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ठीक है, उसमें से कम आपको 8 घंटा सोना ही सोना है। प्रॉपर सोइए एकदम दिल खोल के कि अगले दिन भाई हमको वर्कआउट करना है, अपने गोल के लिए सोचना है, तो आज मैं सोऊंगा, ठीक है। अगर बोला जाता है कई हद तक वर्कआउट में, अगर आप सोओगे तो पाओगे, क्योंकि अगले दिन जाके आप वर्कआउट कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको वर्कआउट अगर आप करते हो, अगर आप रनिंग करते हो, हार्ड वर्क करते हो, टेक्निकल वर्क करते हो, तो आपको सोना बहुत जरूरी है। कम से कम रात में 8 घंटा का अच्छा नींद लें, प्रॉपर नींद लें। जो होगा कल वो देखा जाएगा, जो होना है वो हम करके रहेंगे, ठीक है, सोचना नहीं है कुछ। तो ये आप लोगों के लिए बोनस टिप्स था, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। रेस्ट अच्छे तरह से करें, और इसी तरह के वीडियो और मोटिवेशन वीडियो जानने के लिए इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और लाइक बटन अभी तक अगर नहीं दबाए हो तो दबा दो भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता ही करता हूँ, ठीक है। और छोटे छोटे टिप्स जानने के लिए और मोटिवेशन वीडियो जानने के लिए मेरे Instagram ID को जल्द से जल्द जाके फॉलो करो, यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है, साइड में दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। काम करो, नाम करो और इस देश का नाम रोशन करो। भारत माता की जय।